हेलो फ्रेंड्स, नेहा टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। आज की वीडियो में हम पोर्चुला और पर्सलिन की केयर के बारे में बात करेंगे। दोनों ही प्लांट सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करते हैं। पोर्चुला रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक, वाइट, बहुत सारे कलर्स में आते हैं ये। और पोर्चुला का प्लांट फुल सन में बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। इसको 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए होती है। और पोर्चुला को मॉस रोज भी कहते हैं। इसके प्लांट को आप कंटेनर में ग्रो कर सकते हैं। कंटेनर में ग्रो करना बहुत ही अच्छा होता है। इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। इससे आप पॉट को और एक बेनिफिट ये भी है कि आप कंटेनर में अगर इसे ग्रो करते हैं तो आप पॉट को सनलाइट के अकॉर्डिंग एक जगह से दूसरे जगह पे लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, मॉसरोज सन लविंग प्लांट होता है और उसकी वाटर नीड बहुत ही कम होती है, इसलिए समर सीजन में इसे ग्रो करने के लिए बेस्ट टाइम होता है ये। फ्रेंड्स, पोर्चुला को आप कटिंग से बहुत ही इजीली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैंने तो काफ़ी सारे प्लांट्स कटिंग से ही रेडी कर लिए हैं। बहुत ही हेल्दी ग्रो हुए हैं और सब में फ्लॉरिंग भी बहुत ही अच्छे से हो रही है। पोर्चुला की फर्टिलाइजर नीड की बात करें तो इसकी पोटिंग सॉइल में स्लो रिलीज्ड फर्टिलाइजर जरूर ऐड करें। सरसों खली और बोन मिल दोनों ही बहुत ही अच्छा स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, तो आप इस ये दोनों अपने सॉइल में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बोन मिल सॉइल में फास्फोरस को बढ़ाता है और फास्फोरस प्लांट के रूटिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बोन मिल के एलिमेंट्स सॉइल में 4 महीने तक धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं, जो कि प्लांट्स को हैवी ब्लूमिंग करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से फ्रेंड, मस्टर्ड केक, उसमें भी काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट को डिसीज होने से बचाता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है और हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्दी ग्रोथ करता है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में हैवी ब्लूमिंग हो तो आप काउडंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के भी आप हर 15 दिनों में उसको अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप एनपीके 19-19-19 भी आप इसमें दे सकते हैं। आप 15-15 दिन का गैप कर लीजिए। अगर आपने आज काउडंग फर्टिलाइज़र दिया है, काउडंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, तो आप नेक्स्ट 15 डेज तक उसे कोई भी फर्टिलाइज़र ना दें। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं पोर्चुला के वाटर नीड के बारे में।
जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि पोर्चुला, फर्सलेन, सिंड्रेला, मॉसरोज ये सारे सकुलेंट फैमिली को बिलोंग्स करते हैं और इनके लीव्स में वाटर स्टोर रहते हैं। बहुत ही कम अमाउंट में पानी दें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ही ना करें। ओवर वाटरिंग से इसके जो स्टेम्स होते हैं वो गल जाते हैं। और पोर्चुला में लगने वाली बीमारियों के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, पोर्चुला में मिली बग्स का अटैक आप देख सकते हैं। वैसे इसकी जो देसी वैरायटी होती है उसमें मिली बग्स बहुत ही कम देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसमें ज़्यादातर मिली बग्स का अटैक हो जाता है। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, नीम ऑयल का स्प्रे आप करिए। अगर आपको ज़्यादा मिली बग्स दिखे तो आप वीकली ऐसा करिए कि आप वीक में दो बार आप इसका स्प्रे करिए। और पहले से ही सावधानी रखें, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। उसी से स्टेम्स ख़राब होते हैं और मिली बग्स भी ओवर वाटरिंग के कारण ही होता है। अगर स्टेम में पानी रुकते हैं, मिट्टी में पानी रुकते हैं, तो वही हमारे प्लांट को ख़राब करते हैं। आप जब भी इसका सॉइल तैयार करें तो हल्की सॉइल बनाएं जो वेल ड्रेन हो, और हम जब भी पानी दें तो एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। मिट्टी में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ओवर वाटरिंग से एक और प्रॉब्लम होती है, इसमें इसके लीव्स येलो होकर झड़ने लगते हैं, तो पानी हमेशा चेक करके ही दें। बहुत ज़्यादा पानी मत ना दें, थोड़ा थोड़ा वाटरिंग करें। और पोर्चुला को कंटेनर में ग्रो करना बहुत ही बेस्ट होता है। छोटे बड़े किसी भी साइज के पॉट हो आप पोर्चुला ग्रो कर सकते हैं। ऐसा पॉट सेलेक्ट करें जो जिसकी हाइट कम हो और चौड़ाई ज़्यादा हो, ताकि प्लांट को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिले। पोर्चुला वाइट पॉट में अच्छे से फैलता है और हैवी क्वांटिटी में फ्लावरिंग करता है। पोर्चुला में हैवी फ्लावर के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें स्पेन फ्लावर्स की डेड हेडिंग करें। वैसे तो पोर्चुला खुद ही स्पेन फ्लावर्स को झड़ा देता है, लेकिन थोड़ा सा केयर आप भी करेंगे तो आपका भी पोर्चुला का प्लांट हैवी ब्लूम करेगा। फ्रेंड्स, पोर्चुला को इसके कटिंग से आप बहुत ही इजीली बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग तैयार कर ली है। सारे कटिंग्स बहुत ही अच्छे हेल्दी ग्रो कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में ये ब्लूमिंग के लिए तैयार भी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये सारे कटिंग्स मैंने 15 दिन पहले लगाए थे। मैं आप लोगों को 15 दिन बाद का, मतलब आज का अपडेट दिखा रही हूँ। देखिए, ये 15 डेज के बाद कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और इनमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। कुछ ही दिनों में मुझे इनको सेपरेट पॉट भी देना है। फ्रेंड्स, पोर्चुला के बारे में मुझे जितना भी पता था अभी तक, मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है वो सब मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, कमेंट्स करके भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और पोर्चुला के बारे में मैं पूरी जानकारी दे पाई या नहीं, या ऐसी कोई जानकारी है जो मुझे नहीं है तो वो भी आप लोग मुझे बताएं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।